हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम तीन तरह से अप्पे रेसिपीज़ बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कप सूजी ली है, आधा कप दही लेंगे और आधा कप पानी डाल के इसको मिला लेंगे। आप चाहे तो सूजी और दही को इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करें। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और ढक के 30 मिनट के लिए फर्मेंट होने देंगे। तीस मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारी फर्मेंट हो गई, थिक हो गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और मिला लेंगे इसको। हमें बैटर को पतला नहीं रखना है, सेमी थिक बैटर चाहिए। देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए। अब हम इसमें सब्जियां मिला लेंगे, एक बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटा टमाटर, एक बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, हरे मटर के दाने मिला लेंगे इनको। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे, नमक, लाल मिर्च, जीरा मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें एक तिहाई चम्मच बेकिंग सोडा यूज करेंगे। आप चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट यूज करें। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। अपन मेकर में थोड़ा थोड़ा सा ओलिया घी डालेंगे। अब हर मोल्ड में एक एक चम्मच बैटर डाल देंगे, इससे ज़्यादा बैटर हमें नहीं डालना है। सभी मोल्ड में बैटर डाल देंगे और ढक के 3 से 4 मिनट के लिए सेक लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अप्पे हमारे इस तरफ से बहुत ही अच्छे सिक गए हैं। अब इन्हें पलट लेंगे। आप चाहे तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। फिर से ढक के 3 से 4 मिनट के लिए सेक लेंगे। देखिए इस तरफ से भी अप्पे बहुत ही अच्छे सिक चुके हैं। सर्व कर लेंगे इनको। देखिए दोनों तरफ से अप्पे बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी सिक गए हैं। तड़का अप्पे के लिए सबसे पहले हम तड़का तैयार करेंगे। तड़का पैन में तेल गर्म करके राई या सरसों के दाने डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। आप कड़ी पत्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक चम्मच चना दाल डालेंगे, एक चम्मच उड़द दाल डालेंगे, मिला लेंगे इन्हें और ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं बैटर की तरफ। मैंने बैटर तैयार कर लिया है, इसमें मैं नमक डाल दूंगी, मिला लेंगे इसको। देखिए इस तरह का हमने सेमी थिक बैटर चाहिए। अब जो तड़का तैयार किया था हमने, वो तड़का इसमें डाल देंगे, मिला लेंगे इसको। अब लास्ट में इसमें एक तिहाई चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट यूज करें,
देखिए बैटर तैयार है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अपने पात में थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अब सभी मोल्ड में एक एक चम्मच हम बैटर डाल देंगे। सभी मोल्ड में बैटर डाल दिया है। अब ढक के 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब पे हमारे फूल गए हैं और इस साइड से बहुत ही अच्छे सिक गए हैं। ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल लगाएंगे। सभी अप्पों को पलट लेंगे। फिर से ढक के 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अप्पे हमारे इस तरफ से भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी सिक गए हैं। हमारे तड़का अप्पे बनके तैयार है। अब हम स्टफ अप्पे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं, मैश कर लेंगे इनको। मटर डाल देंगे, बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे, नमक डाल देंगे, अमचूर का पाउडर डाल देंगे और चाट मसाला डाल के मिला लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। जो भी हमारे मोल्ड का साइज होगा उससे हाफ साइज के हम बॉल्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बना ली है। अप्पे पात में थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे, हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी मैंने यहाँ पे राई डाल दी है, आप चाहे तो यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब यहाँ आधे मोल्ड में ही बैटर डालेंगे क्योंकि अभी हाँ हमें स्टफिंग भी डालनी है। सिर्फ आधे मोल्ड में ही बैटर डालें और स्टफिंग को इस तरह से प्रेस करके इसमें डाल देंगे और बैटर से इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। सभी स्टफिंग को मैंने बैटर से इस तरह से कवर कर लिया है। अब इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे। तीन से चार मिनट बाद देखेंगे अप्पे हमारे इस तरफ से बहुत ही अच्छे सिक गए हैं। पलट लेंगे इनको। आप चाहें तो इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। सारे अप्पों को पलट लेंगे। अब ढक के 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे। अप्पे हमारे इस तरफ से भी सिक्के तैयार हो गए हैं। देखिए सर्व कर लेंगे। एक अप्पे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे अप्पे बने हैं हमारे। आप इन्हें चटनी और सॉस के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।